Good morning, dear friends, and the greetings in the name of the Lord Jesus Christ. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूं. This is a brand new day. और ये एक नया दिन है. And which gives us new opportunities to experience God's presence and God's favor. और ये नया दिन हमें ये मौका देता है कि हम परमेश्वर की दया और करुणा को एक नए रूप से अनुभव करें. And it is very necessary, therefore, for us to spend few minutes in the presence of God silently listening to His voice. और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम दिन के शुरुआत से पहले कुछ क्षण लेके परमेश्वर के वचन और उसकी वाणी से सुने कि आज के दिन वो हमसे क्या बात करना चाहता है. This morning I would like to meditate with you about joy of salvation. और आज की सुबह मैं आपसे मनन करना चाहता हूँ इस शीर्षक पर जिसका नाम है मोक्ष का आनंद या उद्धार का आनंद. Our text is found in the book of Psalms number 51. और हमारा जो वचन पाया जाता है वो भजन संहिता 51 और उसके 12वें वचन में है. David says here, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. और दाऊद इस प्रकार यहाँ पर कहता है कि अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल. This is a psalm that David wrote after his conviction of a sin with Bathsheba. और ये वो भजन है जो दाऊद राजा ने तब लिखा जब उसने बथशीबा के साथ उस व्यभिचार के पाप को कर दिया था. Why God called him a man after God's own heart? क्यों परमेश्वर दाऊद को अपने हृदय के समान एक व्यक्ति कहकर बुलाता है? Because one quality, which is a great quality, was whenever he was convicted of any sin, immediately he broke down and he would go into the presence of God. क्योंकि एक बहुत महान गुण दाऊद के जीवन में पाया जाता था कि जिस भी क्षण उसे किसी पाप के प्रति कायल किया जाता था वो टूट कर और हियाव के साथ और टूटे मन के साथ परमेश्वर के सम्मुख आ जाता था. If you want to know what true brokenness and contrite in spirit, read Psalm number 51. और अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि एक टूटा हुआ मन और एक सच्ची आत्मा किस प्रकार मन फिराती है, तो भजन 51 जरूर पढ़ें. I hope and pray that all of us will possess such a spirit of humility to come before him whenever we are convicted of anything. मेरी प्रार्थना यही है कि हम सब एक ऐसी दीनता को, एक ऐसे टूटे हुए मन को लेकर ही परमेश्वर के सम्मुख आए जब कभी हमसे कोई गलती या पाप हो जाए. Today there are so many believers as well as servants of God who follow David in his sin. और ऐसे कई सारे विश्वासी और साथ ही साथ कई सारे अगुवे और पासवान हैं जो दाऊद का उदाहरण के समान उसके पीछे चलते हैं उसके व्यभिचार के पाप के. And then they hide behind the excuse, well, even the great David committed sin, so it's usual. और वो उस बहाने के पीछे खुद को छुपाने की कोशिश करते हैं, अरे उस महान राजा दाऊद तक ने पाप किया तो हम क्या है. But how many of us are willing to follow David in his repentance? लेकिन हम में से कितने ऐसे हैं जो दाऊद के समान मन फिराना चाहते हैं? When you read this psalm, you will notice how broken he was. और जब आप भजन 51 को पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि कितना टूटा हुआ वो था. The fact that he broke the heart of God. और ये कि उसने परमेश्वर के अपने टूटे हुए हृदय को परमेश्वर के सामने रखा. That thought has devastated him altogether. और उस पाप के विचार ने उसे पूरे तरीके से निस्तनाबूत कर दिया. More than the sin, he began to feel that great brokenness and burden because he hurt God. और पाप से कहीं ज्यादा बढ़कर उसके भीतर वो टूटापन और खालीपन भर गया क्योंकि वो इस बात को समझा कि उसने परमेश्वर को दुख पहुंचाया. The whole psalm is his repentance. और याद रखिए 51 भजन उसका पूरा मन फिराने के बारे में है. And then to begin with, he used the word restore. और शुरुआत करते हुए वो इस प्रकार एक शब्द का प्रयोग करता है कि फिर से उसे बना दे. इसे रिस्टोर, वर्स 12 से रिस्टोर टू मी द जॉय ऑफ योर सल्वेशन. कि तू
अपने किए हुए उद्धार का हर्ष फिर से मुझे दे दे। The word restore in this verse shows us three things। और जो शब्द फिर से मुझे दे दे वो तीन बातों को इस वचन में दिखाता है। Number one, पहली बात, it shows David had the joy of salvation in the past। और ये दिखाता है कि दाऊद के पास उद्धार का आनंद था पहले। And we can see it clearly in some of his earlier psalms। अब इस बात को हम बड़ी स्पष्ट रीति से उसके पिछले कुछ लिखे गए भजनों में देख सकते हैं। Psalm number 9 verse 1 says। और भजन 9 उसका 1 कहता है। I will praise thee, O Lord, with all my heart। कहता है, हे परमेश्वर, मैं अपने पूरे हृदय से तेरी स्तुति करूँगा। Psalm 21 verse 1 says। और भजन 21 और उसका 1 कहता है। The king shall joy in thy strength। और वो राजा तेरी शक्ति और सामर्थ्य में आनंद मनाएगा। Psalm 23 verse 5 says, और भजन 23 और उसका 5 में लिखा है, My cup runs over, कि मेरा प्याला उमड़ के गिरता है, It is overflowing, और ये भर कर बाहर गिरता है, while someone else's cup may runs away, और जबकि किसी दूसरे का जो प्याला है वो कहीं गिर जाता है। And then Psalm number 34 verse 1 says, और भजन 34 उसका 1 कहता है, I will bless the Lord at all times, कि मैं परमेश्वर को हर क्षण हर घड़ी स्तुति दूंगा, His praise shall always be upon my lips, और उसकी धन्यवाद और उसका प्रशंसा हर क्षण मेरे मुख पर बनी रहेगी। Now what do these expressions say? और ये बातें, ये वचन किस बात को दिखाती हैं? He was enjoying his salvation, वो तो अपने उद्धार का आनंद लिए हुए थे। He had the joy of his salvation, और उसके पास अपने उद्धार या मोक्ष का आनंद था। And the cup of his heart was overflowing with that joy, और उसका ये उद्धार का आनंद उसके हृदय से उमड़ कर बहता था। So that is the first thing that we see from this verse. He had the joy of salvation. और ये वो पहली बात है जिसे हम इस वचन से देखते हैं। The word restore also shows, और जो वचन है या ये शब्द है फिर से, that at present he does not have the joy. वो इस बात को भी दिखाता है कि वर्तमान में दाऊद के पास उस उद्धार का आनंद नहीं है। He lost the joy of his salvation. और वो तो अपने मोक्ष या उद्धार के आनंद को खो चुका है। What can restore this joy? और कौन सी ऐसी बात है जो इस आनंद को फिर से दाऊद को वापस लौटा सकती है? Listen to these few remarks. और कुछ बातों को आप सुने। Company of people cannot restore this joy. और याद रखिए, लोगों का समूह इस आनंद को वापस नहीं ला सकता। He had a lot of them around him. क्योंकि उसके इर्द गिर्द तो कई सारे लोग थे। But they could not restore. लेकिन वे लोग उसके आनंद को दोबारा नहीं वापस ला सकते। And secondly, और दूसरी बात, the wealth and riches could not restore this salvation. और वो समृद्धि और धन भी उस उद्धार के या मोक्ष के आनंद को वापस नहीं ला सकता। He had tons of gold. Gold and silver and other costly materials. क्योंकि हजारों किलो वो सोना, चांदी और दूसरे बहुमूल्य पत्थर उसके पास मौजूद थे। Anything he wanted, he had it all in abundance. और कुछ भी जो वो चाहता था, सब कुछ उसके पास बहुतायत से था। And thirdly, और तीसरी बात, his possession could not restore the salvation, joy salvation. और उसका स्थान या उसकी उपाधि भी उस उद्धार के आनंद को वापस नहीं ला सकती। Remember, he was king. और याद रखिए, वो तो इज़राइल का राजा था। And he was a great leader. और एक महान अगुवा। And then fourthly, और चौथी बात, What can then restore the joy of salvation? तो कौन सी ऐसी बात है जो उसके उद्धार के आनंद को वापस ला सकती थी? There is only one. सिर्फ एक ही बात। Only the Lord of salvation could restore the joy of his salvation. और याद रखिए, सिर्फ उद्धार का परमेश्वर ही उसके उद्धार के आनंद को उसे वापस दे सकता था। So the third thing we want to meditate. और इसलिए तीसरी बात जिस पर हम मनन करेंगे। The word restore also shows. और ये जो शब्द फिर से, ये इस बात को भी दिखाता है। His longing for the joy of his salvation. कि किस प्रकार से वो इस उद्धार के आनंद के लिए प्यासा है। Could he be satisfied with friends? क्या वो दोस्तों या मित्रों से तृप्त नहीं हो सकता था? And company of people? या लोगों के समूह से?
Couldn't he be satisfied with things of this world? क्या वो इस संसार की बातों से और वस्तुओं से तृप्त नहीं हो सकता? Couldn't he be satisfied by his positions and authority and leadership? क्या वो अपनी उपाधि, अपने स्थान और अपने अगुवेपन से खुद को तृप्त कर सकता था? A truly godly man. एक सत्य का दैवीय पुरुष या एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर भक्ति में Who has already enjoyed the joy of Salvation. जिसने परमेश्वर के उद्धार के आनंद का आनंद लिया था, will not be satisfied with anything else. तो वो किसी और दूसरी बात से तृप्त नहीं होगा. So he approached the very source of that joy. और इसलिए वो उस आनंद के अंत की आत्माओं तक जाना चाहता था. The Lord. और वो था परमेश्वर. He ran to the Lord. और इसलिए वो परमेश्वर तक भागा. He came into his temple and fell before the ark of God. और उसके मंदिर और उसके भवन में पहुंचकर उसकी वाचा के तंबू के सामने गिर गया. He would not give himself sleep until that Joy is restored. वो तब तक नहीं सोया जब तक परमेश्वर ने उस आनंद को वापस उसे नहीं दिया. Oh, where is today such repentance, such seeking after the living God? और ऐसा मन फिराना और ऐसा परमेश्वर के पीछे उसे निहारना और खोजना कहाँ है आज के दिनों? So the fourth things we like to meditate. इसलिए चौथी बात जिस पर हम मनन करेंगे. The road to restoration. और वो मन फिराना या वापस उस आनंद को पाने के लिए कौन सी मार्ग का उसे प्रयोग करना? There are three things. तीन वो बातें हैं. Remember my friends. याद रखिए मेरे मित्रों. Any wrong we do it against heaven in the first place. और कोई भी गलत काम जो हम करते हैं वो पहले स्थान पर हम स्वर्ग के विरुद्ध करते हैं. That is why David in his repentance prayed. और इसीलिए दाऊद अपनी माफी या अपने मन फिराने में ऐसी प्रार्थना करता है. Against you, you only, Lord, I have sinned. कि तेरे विरुद्ध और सिर्फ तेरे ही विरुद्ध मैंने पाप किया है. And I have sinned. तो मैंने पाप किया है. One wonderful quality he had was He never pointed his finger at anybody else and started accusing others for his faults. और एक अद्भुत गुण जो उसके पास था वो ये था कि वो किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाकर उसकी गलती नहीं दिखाता. What is our problem? हमारी समस्या क्या है? When we are caught, जब हमें गलती में पकड़ा जाता है, then we try to make a way of escape. तब हम बहाना बनाकर या दूसरे रास्तों को देखते हैं कि कैसे बचें. Blame somebody else. दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं. So and so was responsible for कि वो दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार था. She was responsible. ये वो व्यक्ति जिम्मेदार था. He was responsible. या ये भाई जिम्मेदार था. And I was led into it. और मैं इनके कारण इसमें मैंने ये गलती किया. That's what we do. और ऐसा हम करते हैं. That's what we all try to do today. और ऐसा आज के दिन भी हम करते हैं. My friends, मेरे मित्रों, Who committed it? किसने ऐसे किया? Not she or he or anybody else. उसने उस भाई उस बहन या किसी और ने नहीं. You did it. तुमने किया. Don't try to find a way of escape. और इसलिए बचने के लिए कोई रास्ता ना ढूंढे. And you know, Adam could blame the woman, Eve. और आदम तो हवा को ऊपर दोष लगाता. And Eve could blame the serpent. और जो Eve could blame और हवा जो है वो उस शैतान या उस सर्प के ऊपर या सांप के ऊपर दोष लगाती. You know, Adam, that's what Adam was doing, blaming. और यही काम आदम भी कर रहा था कि दूसरे के ऊपर दोष लगाना. But then the question comes back. लेकिन फिर वो सवाल फिर से उठता है. Who did the eating? लेकिन खाया किसने? You ate. तूने खाया. You could have said no. और तू कह सकता था ना. Remember my friends. और याद रखिए मेरे मित्रों. When you are in wrong. जब आप कुछ गलत करते हैं. Don't try to blame others. आप दूसरों के ऊपर दोष ना लगाएं. Run to the temple of God. परमेश्वर के मंदिर की ओर भागे. Fall down before him. उसके सम्मुख दंडवत हो जाएं. And with tears, with a broken heart, to begin to repent. और आंसुओं के साथ और टूटे मन के साथ There you will find your repent, your restoration. और वहां पर आप फिर से अपने आनंद को वापस So the first thing is, और इसलिए पहली बात what है, is the road to restoration? याद रखिए उस वापस से या फिर से उस उद्धार को पाने के लिए आनंद को पाने के लिए पहली बात Number one, पहली बात remembrance. याद रखिए
Remember the mercies and forgiveness and restoration of the past. याद रखिए वो दया, वो करुणा, वो माफी और वो फिर से जो भूतकाल में परमेश्वर ने आपके जीवनों में किया. A genuine repentance. और वो सच्चा मन फिराना. A confession of sin. और अपने मन का अपने पापों का अंगीकार करना. And remember what God did for you in the past. और याद रखिए कि पहले या भूतकाल में परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया. You were not worthy. आप तो योग्य नहीं थे. You did not deserve to be forgiven. और आप इस योग्य नहीं थे कि माफ किए जाएं. But God did. लेकिन परमेश्वर ने किया. And lift you up. और आपको ऊंचा उठा दिया. And he picked you up from the sheep fold. और उसने आपको उस निचले स्थान से उठाया. And he made you the king. और आपको उठाकर एक राजा के समान बना दिया. Remember God's goodness. और इसलिए परमेश्वर की भलाई को याद रखें, उसकी दया को याद रखें. Number two, दूसरी बात, confession. अंगीकार करना. No forgiveness without repentance or confession. और इसलिए याद रखिए, कोई भी माफी नहीं है तब तक जब तक आप अपने पापों से मन नहीं फिराते या उनका अंगीकार नहीं करते. Apostle John in his first letter says, और यहूना ने अपनी पहली पत्री में इस प्रकार कहा, Anyone who confesses, और ऐसा कोई भी जो अपने पापों का अंगीकार करता God है, is faithful and true to forgive. परमेश्वर तो योग्य है और सत्य है कि माफ कर But दे. There is no forgiveness without that repentance. लेकिन याद रखिए, मन फिराने और अंगीकार करने के अगर नहीं करता कोई, तब कोई माफी नहीं. The Bible says a broken and contrite heart God will not reject. और याद रखे, वचन बताता है, एक टूटा हुआ और सच्चा मन परमेश्वर कभी उसका विरोध नहीं करता. Number three, तीसरी बात, faith. विश्वास. Have faith in the loving kindness and mercy of our loving God. और आप विश्वास रखे हमारे परमेश्वर की दया, उसकी करुणा और उसकी विश्वास योग्यता. His goodness. उसकी भलाई. His mercy. उसकी दया. And his faithfulness. उसकी विश्वास योग्यता. God is more willing to forgive than to punish. और याद रखिए, परमेश्वर तो हमेशा तैयार है और कहीं ज्यादा तैयार है कि वो क्षमा कर दे इसके बजाय वो आपको दंड दे. Here is your hope. और यहाँ पर आपके लिए एक आशा. Here is the road to restoration. और यहाँ पर वो फिर से वापस उस आनंद को पाने का एक Come मार्ग back है. To God. परमेश्वर के पास वापस आ जाए. Through the passage of remembrance. और याद करते हुए उस वचन को. And through the passage of confession or repentance. और उस मार्ग को जो मन फिराना है, अंगीकार करना है. Oh, by the road of faith. और उस विश्वास के मार्ग के द्वारा. This is your hope. और यही आपकी आशा है. Repent. मन फिराएं. Believe. विश्वास करें. And receive. और उसके बाद प्राप्त करें. And thus be restored to God's favor and His forgiveness and His love. और इसके द्वारा फिर से आप परमेश्वर से और उसकी दया, उसकी करुणा को आप दोबारा अपने जीवनों में पालें. God is ready. परमेश्वर तो तैयार है. Won't you come? क्या आप आएंगे? There may be some of you who are listening to me this morning. और आप में से कुछ आज की सुबह मुझे सुन रहे हैं. Who know that you have sinned against God. और वे जानते हैं कि आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया. You are not able to enjoy His presence. और आप उसकी उपस्थिति का आनंद नहीं ले पा रहे हैं. There is something blocking His presence. और कोई एक ऐसी बात है जो उसकी उपस्थिति को रोके हुए. Anything that blocks God's presence is a sin. और याद रखिए, कोई भी ऐसी बात जो परमेश्वर की उपस्थिति को रोकती है, वो पाप है. So in that case. और इसलिए उस जगह पर, instead of wondering and what is happening, you come to God in true repentance and the Holy Spirit will remind you what is blocking. आप सच्चे मन फिराने के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए और पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगी कि क्या आपने गलत किया. Rely on the faithfulness and mercy of God. परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आप अपने भरोसे को रखें. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Always be reconciled to God. परमेश्वर से हर समय आपका मेल मिलाप हुआ रहे. God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम He रखता है. He is a good God. वो एक भला परमेश्वर. And God is good all the time. और परमेश्वर भला है हर समय. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you for speaking to us. धन्यवाद परमेश्वर हमसे बात करने के. Many of us, oh Lord, are having problems, sin problems in our life. हम में से कई अपने जीवनों में पाप का समस्या लिए हुए हैं. We know today what we need to do. और आज के दिन हम जानते हैं हमें क्या करने की आवश्यकता है. Come back to God. परमेश्वर के वापस आ जाएं. Help us, O Lord, to stop
ब्लेमिंग गेम और परमेश्वर होने दे हम उसे एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने के कार्य को रोकें। Nobody is responsible for what I did or why what I do। और कोई भी जिम्मेदार नहीं है जो मैं करता हूँ। I am responsible। मैं जिम्मेदार हूँ। So Lord, not only we need your forgiveness। और इसलिए परमेश्वर ना केवल हमें तेरी माफी की आवश्यकता but to be forgiven we know we need to humble ourselves and come to you लेकिन क्षमा पाने के लिए हमें यह जरूरी है कि हम खुद को दीन करके तेरे समक्ष आएं so grant to us that humility और इसलिए हमें वो दीनता दे and a faith और वो विश्वास तेरी भलाई में thank you lord धन्यवाद पिता bless your people अपने लोगों को आशीष दे In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you, friends. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. This is a great day. एक महान दिन है. And a wonderful day. एक बहुत ही Enjoy अच्छा दिन. Enjoy every moment of it. हर इस दिन के हर क्षण का आप आनंद लें. Let nothing block, no sin in your life block the presence of God. और होने दे कोई भी पाप आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को ना रोकने. Amen. Amen.